नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रत्येक न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ रविशंकर। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे बिहार में ट्रक मालिकों द्वारा सरकार के द्वारा लाया गया नया कानून, जिसमें 14 और उससे अधिक पहिया वाले वाहनों का चलना प्रतिबंधित कर दिया गया है, उसमें खनन मटेरियल नहीं लादी जा सकती है, उसकी ढुलाई नहीं की जा सकती है, इसको लेकर पूरे बिहार में ट्रक मालिक आंदोलनरत हैं। ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के बिहार प्रदेश के सचिव माधव कुमार ने बताया कि भागलपुर और उत्तर बिहार को पूरी तरह से ट्रक मालिकों के द्वारा जाम कर दिया गया है। हालांकि अभी तक ये प्रदर्शन जो है वो शांतिपूर्ण है, लेकिन कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरह से पटना में ट्रक मालिकों पर लाठीचार्ज किया गया, उसके बाद से ट्रक मालिक और ट्रक चालक दोनों आंदोलित हो गए हैं और ट्रक मालिकों ने सरकार को चेतावनी दी है कि ये जाम अनिश्चित काल तक रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक इनकी मांगे मान नहीं ली जाती है। ट्रक मालिकों ने सरकार के सामने एक प्रस्ताव भी दिया था कि जिस तरह से 10 चक्का और 12 चक्का वाहनों का परिचालन कराया जाएगा, उसी आधार पर 14 चक्का वाहनों का भी परिचालन कराया जाए, लेकिन सरकार ने इस मांग को ठुकरा दिया। इसके बाद बेमियादी हड़ताल पे चले गए ट्रक मालिक, जिनके पास 14 चक्का वाहन है या 14 चक्का से अधिक पहिया वाले वाहनों के मालिक जो भी हैं। तो भागलपुर में एक बड़ा जाम है और इसके बाद आज शाम से बेगूसराय के 0 माइल में ये जाम पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है और ये अनिश्चितकालीन जाम है। जैसा कि हमने आपको बताया, सचिव के द्वारा दिया गया बयान है, उन्होंने कहा कि ये बेमियादी हड़ताल है और तब तक रहेगा जब तक इनकी मांगे मान नहीं ली जाती हैं। अब सवाल ये उठता है कि सरकार जिस मांग को ठुकरा चुकी है, उसे मानेगी कैसे? सरकार को नीतिगत ये फैसला लेने से पहले ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के साथ विचार करना चाहिए था, क्योंकि अगर सरकार वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की बात करती है पकड़े जाने पर, या उसके परिचालन पर रोक लगाती है, तो ये नीतिगत सही नहीं है किसी भी तरह से, क्योंकि तब सरकार को इससे पहले ही रजिस्ट्रेशन नहीं लेना चाहिए था। और अगर सरकार ने ऐसा नियम लाया तो वाहन मालिकों से उनकी वाहन को फाइनेंसर के द्वारा, जो वाहन अभी भी फाइनेंस में है, जिनका इंस्टॉलमेंट जा रहा है, उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है, उनका सिविल खराब हो सकता है, उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उन्हें या तो उनकी गाड़ी वापस सरकार ले, या फाइनेंसर वापस ले, या कंपनियां वापस ले, या उनकी मांगे मान ली जाए, या फिर कोई एक बीच का रास्ता निकलना चाहिए और इस गतिरोध को समाप्त किया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन राम प्रकाश के साथ रविशंकर, बेगूसराय, 0 माइल। बिहार सरकार का जो दमनकारी फैसला आया था, तुगलकी फरमान आया था दिनांक 16 तारीख को, कि 12 चक्का से ऊपर की गाड़ियां, जिसको कि बालू गिट्टी में नहीं चलाया जाएगा, तो मेरा ये सवाल है कि अगर वो बालू गिट्टी में नहीं चलेगा तो बिहार में कोई दूसरा विकल्प तो बचता नहीं है। तो एक ही विकल्प है कि या तो ट्रक ओनर को आप आत्महत्या करने के लिए कह रहे हैं, उनके आप पेट पे लात मारने का काम कर रहे हैं, जो ट्रक ओनर कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और यह जो अनिश्चितकालीन चक्का जाम है, ये पूरे बिहार में तब तक जारी रहेगा जब तक कि आप अपने तुगलकी फरमान को, आप अपने सनकी दिमाग को शांत करके जरा सोचें कि इससे आपको क्या फ़ायदा है। इससे आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान है, क्योंकि ट्रक मालिक ही एक ऐसा आपके पास उपाय बचा है जो आपका राजस्व का एक बड़ा खजाना है। अगर आप कहें तो आपको विस्तार में बताएं, आप एक बार बात कर तो देखें, आपके जो सरकार में मूर्ख लोग बैठे हुए हैं उनसे हम लोग बात करने के लिए तैयार हैं। वो जो बहक रहे हैं उनको हम बताना चाहते हैं कि सबसे बड़ा राजस्व तो हम लोग देते हैं, और जो आपने पेट पे लात मारने का काम किया है तो आपको ऐसी जगह लात मारा जाएगा कि आप कुर्सी पर से आपको घिंच के उतार दिया जाएगा। कान पकड़ के ये याद रखिएगा, 16 दिसंबर को जो हम लोगों के 14 चक्का से ऊपर की गाड़ियों को प्रतिबंधित किया गया था, 12 चक्का से ऊपर की गाड़ियों को प्रतिबंधित किया गया था, गिट्टी बालू उसके नहीं ढोना है, तो बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन के बैनर के लिए चक्का जाम पूरे बिहार में चल रहा है। तो हम लोग अपने बेगूसराय में भी उसको समर्थन करने के लिए सारे साथी जुटे हुए हैं, पर यहाँ के अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में, और कोशिश रहेगा कि इसको सफल बनाते हुए बिहार सरकार से दबाव बनाया जाए, उनसे निवेदन किया जाए किसी तरह चक्का जाम को सफल करते हुए सारी कार्रवाई और सारी गाड़ियों को चलाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग डायरेक्ट बेरोजगार हो चुके हैं। तो एक तरफ सरकार बोलती है कि रोजगार दिया जाएगा, दूसरी तरफ सबों को बेरोजगार कर दिया, तो निवेदन रहेगा, हम नहीं निवेदन करने के बाद मानेंगे तो फिर आगे की कार्रवाई तो चल ही रही है हम लोगों की।
सर, बोलिए। जल ही जीवन है और इस जल के लिए आपका, हमारा, हम सभी का साथी विप्रा पंप्स, बिजली की कम खपत के साथ लो मेंटेनेंस और चले सालों साल। विप्रा पंप्स, बूंद बूंद में जीवन।